क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है साइक्लोएल्कीन। उस नए टॉपिक का नाम क्या है? साइक्लोएल्कीन। आपने एल्कीन पढ़ लिया, चैप्टर मैंने करवा भी दिया है। तो एल्कीन क्या था कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कहीं भी एक जगह या दो जगह डबल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या होती है? एल्कीन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में किसी एक स्थान पर डबल बॉन्ड की उपस्थिति हो जाती है तो वो क्या बन जाती है भाई? एल्कीन। लेकिन हम अगर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को सर्किल फॉर्म में व्यवस्थित कर दें और फिर एक जगह कहीं डबल बॉन्ड लगा दें तो वो क्या बन जाएगी? साइक्लोएल्कीन। जैसे आपने पढ़ी थी साइक्लोएल्केन, क्या पढ़ी थी भाई? साइक्लोएल्केन। और साइक्लोएल्केन में आपने ये बनाया था और इसको नाम दिया था साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम दिया था? साइक्लोप्रोपेन। तो ये सर्किल फॉर्म है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एल्कीन है। साइक्लोप्रोपेन मान लो मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा देती हूँ तो अब एक जगह डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये साइक्लोप्रोपेन तो नीरा या एल्कीन तो नीरा, क्या बन गया? एल्कीन बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, तो जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला सर्किल फॉर्म में प्रेजेंट हो या साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट हो या चक्रीय रूप में व्यवस्थित हो और कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड आ जाए तो इस प्रकार बना हुआ कंपाउंड क्या होता है? साइक्लोएल्कीन होता है। क्या होता है भाई? साइक्लोएल्कीन। जैसे एग्जांपल के लिए तीन कार्बन की कोई साइक्लिक फॉर्म ली और एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या बन गई? साइक्लोप्रोपीन बन गई। अब मान लो मैं ऐसे कर देती हूँ और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देती हूँ, चार कार्बन है तो क्या बन जाएगी? साइक्लोब्यूटीन। क्या बन जाएगी भाई? साइक्लोब्यूटीन। अगर इसको इस स्ट्रक्चर को खोल के लिखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये क्या है? साइक्लोप्रोपीन है। ठीक है, इसको लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या है? साइक्लोब्यूटीन है। तो चाहे हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है, अगर हमारे पास पांच कार्बन हो और पांच कार्बन की एक श्रृंखला हो हमारे पास, उसमें कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हो तो उसको बोला जाता है साइक्लोपेंटीन। पेंटीन, साइक्लोपेंटीन, PANTEN, पेंटीन। अब देखिए, अगर हमारे पास में छः कार्बन हो और छः कार्बन में कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। इस तरीके से हम साइक्लोएल्कीन की बात कर रहे हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला साइक्लिक फॉर्म में हो और कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो क्या होती है? साइक्लोएल्कीन होती है। जैसे साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन और साइक्लोहेक्सीन, ये क्या है? हमारी साइक्लोएल्कीन है। क्या है? साइक्लोएल्कीन। अब हम इसके बनाने की विधियां करते हैं। साइक्लोएल्कीन बनाने की विधि, बनाने की विधि,
पहला है डील सेल्डर अभिक्रिया, डील सेल्डर अभिक्रिया। तो डील सेल्डर अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, हम बंधरी ब्यूटाडाइन को काम में लेते हैं और एथीन को काम में लेते हैं, एक साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, उसको बोला जाता है साइक्लो एल्कीन। बनाया किसे गया, डील सेल्डर रिएक्शन से। तो अब देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोला जाएगा बंथरी ब्यूटाडाइईन। ठीक है, इसके साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेंगे और ये क्या होती है, एथीन। तो बंथरी ब्यूटाडाइन और एथीन की रिएक्शन करवाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगी भी CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH2 और CH2। और ये छह कार्बन है, एक जगह डबल बॉन्ड है, छह कार्बन के लिए साइक्लोहेक्स आता है, साइक्लोहेक्स आता है और एक जगह डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बन गई, तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन। या फिर हम इसे इस प्रकार शो कर देते हैं सीधा ही इस तरीके से, और यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा और ये क्या हो जाएगी, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगी। अब देखिए आप फर्स्ट ईयर BSc फर्स्ट ईयर के बच्चे हो या BSc BEd सेकंड ईयर के हो, आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल नया है। आपने एल्कीन ज़रूर पढ़ा होगा 11th क्लास में, लेकिन साइक्लो एल्कीन नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बहुत ध्यान से करवा रही हूँ, आप भी ध्यान से करना। बंथरी ब्यूटाडाइन लिया हमने, एथीन की रिएक्शन करवाई, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र हो गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग हो गई और हमें क्या प्राप्त हो गया, साइक्लोहेक्सीन प्राप्त हो गया। और यह साइक्लोहेक्सीन को ऐसे भी लिख सकते हैं। इतनी बात आई समझ में, ये थी डील सेल्डर अभिक्रिया। पहला मेथड साइक्लोएल्कीन बनाने का, उसके पश्चात सेकंड की बात कर रहे हैं हम, और सेकंड है हेक्सेनोन से, आप हेक्सेनोन से भी लिख सकते हो इसको या हेक्सनोल से भी लिख सकते हो, हेक्सेनोन और हेक्सेनोल से दोनों से लिख सकते हैं। हेक्स का मतलब हमारे पास में क्या है, छह कार्बन है, ठीक है, और नोन का मतलब ओन। ओन किसके लिए लगता है, कीटोन के लिए, और हेक्सेनोल किसके लिए लगता है, हेक्स छह कार्बन के लिए, ओल किसके लिए लगता है, एल्कोल के लिए। अब देखो आपने यहाँ पर, मैंने आपको हेक्सेनोल लिखाया, हम यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनोल कर दें या साइक्लोहेक्सेनोन कर दें तो इसका मतलब कीटोनिक फॉर्म है हमारे पास में, लेकिन है कैसे, सर्किल फॉर्म में, ये सर्किल फॉर्म हो गई, साइक्लो के लिए सर्किल फॉर्म हो गई, एक्स के लिए छह कार्बन हो गए और हेक्सेनोन के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करवाएंगे,
Na और C2H5OH की प्रेजेंस में आप चैन करवाएंगे। क्या करवाएंगे भाई? आप चैन करवाएंगे साइक्लोहेक्सेनोन लिया है हमने, साइक्लिक फॉर्म में है, 6 कार्बन है इसलिए साइक्लोहेक्स, और कीटोन के लिए ओन लगता है तो साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, इसका आप चैन करवाएंगे। अब देखो हमारे पास में ये कीटोन होता है और हम कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो 2H के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एक हाइड्रोजन हम इस कार्बन के साथ जोड़ते हैं और एक इसके साथ में, तो कीटोन से क्या बन जाता है? एल्कोल। क्या बन जाता है? एल्कोल। तो अब देखिए ये हमारे पास में साइक्लोहेक्सेनोन था, वो साइक्लोहेक्सेनोल में चेंज हो गया। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया और एक इस ओ के साथ जुड़ गया। अब चेन करवाया था हमने और 2H के साथ में रिएक्शन करवाई हमने और साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेनोल प्राप्त हो गया। ये साइक्लो हेक्सेनोन, साइक्लो हेक्सेनोन और ये साइक्लो हेक्सेनोल, ये साइक्लो हेक्सेनोल है, ठीक है। अब देखिए हमने साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेनोल बना लिया। अब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इसका क्या करवाते हैं? निर्जलीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाई? निर्जलीकरण करवाते हैं। किसका निर्जलीकरण करवा रहे हैं? एल्कोल का, ठीक है। अब देखिए पहले आप मेरी तरफ देखिए, ये क्या है? एल्कोल है। क्या है ये? एल्कोल है। वन डिग्री एल्कोल है। अगर एल्कोल की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ निर्जलीकृत करवाया जाए तो इस कार्बन से OH और इस कार्बन से H चला जाता है H2O की फॉर्म में, तो पीछे क्या बच जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मीन्स क्या बन गई? एल्कीन। क्या बन गई भाई? एल्कीन। तो एल्कोल का जब भी निर्जलीकरण करवाया जाता है और निर्जलीकरण करवाने से कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में या कंसंट्रेट H2SO4 की जब किसी के साथ ही रिएक्शन करवाई जाए तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है? वाटर को खींचने का काम करता है, वाटर को बाहर निकालता है किसी भी कंपाउंड में अगर कंसंट्रेट H2SO। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 चाहता है कि मैं डाइल्यूशन फॉर्म में जाऊं या मैं डाइल्यूट हो जाऊं। तो इस कार्बन से OH चला गया और पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन, तो ऐसा ही हम क्या करते हैं, इस कार्बन से तो क्या करते हैं, OH निकाल देते हैं और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कार्बन की साइक्लिक फॉर्म इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन इसलिए हेक्स और डबल बॉन्ड तो क्या बन गया? हेक्सीन। तो किसका निर्माण हो जाएगा? साइक्लो हेक्सीन का। और हम साइक्लो एल्कीन बनाने की विधियाँ ही तो कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? साइक्लो हेक्सीन का निर्माण कर दिया।
ये सेकंड नंबर मेथड कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद में आता है साइक्लो एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न से। साइक्लो एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न से तीसरा मेथड है अब देखिए मैं आपको ये चैप्टर क्रम वाइज इसलिए तो करवा रही हूँ क्योंकि जब हम एल्केन कर लेते हैं तो हमें साइक्लो एल्केन आ जाता है और एल्केन करने से एल्किन भी आ जाता है और जब हमने एल्केन साइक्लो एल्केन और एल्किन कर लिया तो हमें साइक्लो एल्किन भी आ जाएगा और साइक्लो एल्किन ये चारों चैप्टर कर लेंगे तो हमें एल्काइन और डाइन भी समझ आ जाएगा। तो अब देखिए साइक्लो एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न और साइक्लो एल्केन कोई भी ले लो, ये 6 कार्बन का साइक्लो एल्केन है और इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन। और मैं यहाँ Cl जोड़ दूँ, Br जोड़ दूँ मान लो, और यहाँ भी क्या करूँ Br जोड़ दूँ, तो ये साइक्लो एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न हो गए। अब देखिए हमारे पास यहाँ CH2Br है और यहाँ CH2Br है और इसकी हम जिंक के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। हमारे पास ये क्या है, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न है हमारे पास। क्या है भाई, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न है, ठीक है। अब देखिए डाई हैलोजन व्युत्पन्न, हमने दो हैलोजन लिए है ना, तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न करो, ये डाई हैलोजन व्युत्पन्न या फिर अपने बोल सकते हैं डाई हेलो साइक्लो एल्केन भी बोल सकते हैं, इसका नाम डाई हेलो साइक्लो एल्केन व्युत्पन्न भी कर सकते हैं अपने, ये तो हमारे मेथड का नाम है। दो हैलोजन लगा रहे, जिंक के साथ रिएक्शन करवाई थी हमने, एल्केन डाई हेलो एल्केनों के व्युत्पन्न लिए थे। ये जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnBr2 के रूप में बाहर निकल गए और यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गई, ZnBr2 और क्या बन गई, एल्कीन बन गई। जब हम एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न ले रहे हैं उससे हमें एल्कीन प्राप्त हो रही है, तो हम साइक्लो एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न लेकर के साइक्लो एल्कीन भी तो बना सकते हैं। जब हम एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न लेकर के एल्कीन बना सकते हैं तो साइक्लो एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न लेकर साइक्लो एल्कीन भी बना सकते हैं, ये तो जनरल सी बात हो गई, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इसके साथ में Zn की रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाने पर ये ZnBr2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। चाहे आप साइक्लोपेंटीन बनाओ, साइक्लोहेक्सीन बनाओ या साइक्लोब्यूटीन बनाओ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कोई भी साइक्लो एल्केन ले सकते हम। और ये ZnBr2 बाहर निकल गया तो हमने सबसे पहले एल्केन पढ़ा था और एल्केन पढ़ने के बाद में साइक्लो एल्केन, ये साइक्लो एल्केन हो गया, ये एल्केन हो गया, एल्केन से हमने क्या बना दी, एल्कीन बना दी, तो साइक्लो एल्केन से भी तो हम साइक्लो एल्कीन बना सकते हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गई, साइक्लो हेक्सीन प्राप्त हो गई। जैसे ये नीचे वाली रिएक्शन है ये वैसे ही की है, फर्क इतना है कि ये सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला खुली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूप में है और ये क्या है, बंद हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूप में है, या फिर हम आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक फॉर्म के अंदर है, बाकी और कुछ भी फर्क नहीं है, बाकी तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। वैसे ही ZnBr2 Zn के साथ रिएक्शन करवाती है और ZnBr2 बाहर निकलता है
और हमें क्या प्राप्त हो जाती है, साइक्लोएल्कीन। जैसे एल्केन से एल्कीन प्राप्त हुई, उसी प्रकार साइक्लोएल्कीन से हम साइक्लोएल्केन से साइक्लोएल्कीन बना सकते हैं। तो ये 1,2 इसका नाम हो जाएगा 1,2-dihalo साइक्लोएल्केन या साइक्लोहेक्सेन। 1,2-dihalo साइक्लोहेक्सेन से या साइक्लोएल्केन से साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोएल्कीन प्राप्त हो गया। इसके साथ ही हम आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।